मैं रेनू हुसैना जीएमएसपीए सेक्टर 55 फरीदाबाद से। मैंने थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए एक टीएलएम तैयार किया है जिसमें बच्चे किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले गए हम, यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए हम फाइव डिजिट्स का नंबर लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ, हमने फाइव डिजिट्स का नंबर लिया है। इससे हम वंस की तरफ से शुरू करते हुए हम बच्चों को बताएंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। सबसे पहले हम वंस का डिजिट देखेंगे क्या है, टू। तो वंस की बी को तो हम टू पे सेट करेंगे। उसके बाद टेंस पे हमारा डिजिट है थ्री, तो यहाँ पे हम बच्चों को बोलेंगे कि आप थ्री पे सेट करो, जिसकी वैल्यू वहां पे 30 होगी। इसी तरह हंड्रेड पे हमारा डिजिट है 5, तो बच्चे यहाँ पे 5 पे सेट करेंगे जिसकी वैल्यू 500 होगी। उसके बाद 1000 में हमारा डिजिट है 1, तो 1 को ढूंढते हुए हम यहाँ 1000 जिसकी प्लेस वैल्यू होगी। और 10000 के प्लेस पे हमारा डिजिट है 7, तो 7 को हम ढूंढकर ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे इससे बच्चों को हर डिजिट की प्लेस वैल्यू पता लगेगी कि वंस में 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 5 की प्लेस वैल्यू 500, 1 की प्लेस वैल्यू 1000 और 7 की प्लेस वैल्यू होगी 70000। इसी तरह से हम बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म भी सिखा सकते हैं इसी टीएलएम की हेल्प से, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, हर डिजिट का जो भी प्लेस वैल्यू है उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम 70 हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसी नंबर को। तो यहाँ पे 70 प्लेस वैल्यू है 70000 प्लस 1 की प्लेस वैल्यू है 1000 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारी 500। प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू है